प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रतिदिन डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स ले करके आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को धार देने का काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारी जो सबसे पहली खबर है वो संबंधित है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित है। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो है उससे संबंधित इस खबर की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये जो खबर है वो किस, ये जो विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये विभाग आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। किसके तहत आता है? ये आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने निजी संस्थानों और स्टार्टअप के साथ 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? 72 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निजी संस्थानों और स्टार्टअप के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद में आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, वो नीति आयोग से संबंधित है। तो नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन AIMM, जिसको अपन लोग कहते हैं अटल इनोवेशन मिशन, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ना, तो UNO के तहत जो विपो है WIPO, जिसको अपन लोग कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इन्होंने ग्लोबल साउथ में संयुक्त इनोवेशन कार्यक्रम बनाने की दिशा में हाथ मिलाया है। तो अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, एम और विपो WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल साउथ में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके तहत क्या होगा? नवाचारों को बढ़ावा देने का काम जो है वो महत्वपूर्ण रूप से किया जाएगा। उसके बाद आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है एस्टोनिया से संबंधित है। ठीक है, तो एस्टोनिया की संसद ने प्रधानमंत्री पद के लिए रिफॉर्म पार्टी की उम्मीदवार, जिसका नाम क्या है, क्रिस्टन मिशल, उसको नई सरकार बनाने का जनादेश दिया है। तो एस्टोनिया की संसद ने किस पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, कौन सी पार्टी, रिफॉर्म पार्टी, और उसकी उम्मीदवार का नाम क्या है? उसकी उम्मीदवार का नाम है दोस्तों आपके क्रिस्टन मिशल। तो क्रिस्टन मिशल को नई सरकार बनाने का जनादेश दिया है। अब दोस्तों हम लोग अगली जो बात करने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इंटरनेशनल जो ओलंपिक कॉरपोरेशन है, ओलंपिक जो संगठन है, इसने क्या किया है, अभिनव बिंद्रा को जो है वो प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है, और ऐसा पुरस्कार पाने वाले अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का निर्णय किया है, और यह पुरस्कार पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा। ये ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च पुरस्कार है ना, तो ओलंपिक ऑर्डर जो है वो है ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और यह पुरस्कार जो है वो ओलंपिक के दौरान और उसके बाद में ओलंपिक आंदोलन में जो भी व्यक्ति विशिष्ट योगदान देता है उसके लिए दिया जाता है। और ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो भारत के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत विजेता अभिनव बिंद्रा जो है उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय भाषाओं से संबंधित है। तो इसमें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने ये बताया है कि 6 भारतीय भाषाओं को जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों? 6 भाषाओं को। ये हमको किसने बताया? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया। और वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 6 भारतीय भाषाएं हैं, उसमें एक तो कौन सी है दोस्तों? तमिल है। कौन सी भाषा है? एक तमिल है। उसके बाद में कौन सी भाषा है? संस्कृत है। उसके बाद में कौन सी भाषा है? कन्नड़ है। उसके बाद कौन सी भाषा है? तेलुगु है। उसके बाद कौन सी भाषा है? मलयालम है। और उसके बाद कौन सी भाषा है? ओडिया है। तो इस प्रकार से जो है ये 6 भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़,
तेलुगु, मलयालम और ओडिया, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, छह भारतीय भाषाओं को। और ये हमको किसने बताया? संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजस्थान के, यानी भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया। इसके बाद दोस्तों पेरिस ओलंपिक जो अभी होने जा रहा है, उस ओलंपिक के बाद भारत के गोलकीपर जिनका नाम क्या है, पीआर श्रीजेश, और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है पीआर श्रीजेश, और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेंगे। तो भारत के हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, जो कि भारत के गोलकीपर हैं, वो अभी जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक हो रहा है, उस ओलंपिक अभियान के बाद जो है वो हॉकी से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत में हॉकी के पदक का सूना जो था, सूनापन जो था, उसको खत्म किया और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, और उसके सदस्य रहे थे श्रीजेश। फिर हम लोग अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, और ये है यूनियन बजट। और यूनियन बजट की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी वित्त मंत्री जिनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण, और सीतारमण ने जो है वो केंद्रीय बजट पेश किया है। नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो ये उनका तीसरा टर्म है, उस तीसरे टर्म का पहला बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, और उन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया और लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने का एक रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। अब उसके बाद में अपन लोग देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण रूप से अपन देखेंगे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा भी की गई है, और उस बजट की कुछ प्रमुख बातों पर हम लोग आज चर्चा दोस्तों करने वाले हैं। अब नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में कुछ संशोधन किया गया है। वो संशोधन ऐसा है कि उस संशोधन के तहत जब अपन लोग देखेंगे तो करदाताओं का लगभग यूँ मान लीजिए आप लोग 17,500 रुपये का बचत होने जा रहा है। तो उन्होंने जो नई कर दरें रखी हैं उसमें उन्होंने क्या किया, 0 से 3 लाख रुपए तक की आय है किसी व्यक्ति की तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि जीरो टैक्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर 3 से 7 लाख रुपए हैं आय तो उसको कितने प्रतिशत टैक्स देना है दोस्तों, 5% टैक्स देना अगर 3 से 7 लाख रुपये कोई व्यक्ति की वार्षिक आय है तो, और अगर 7 लाख से ऊपर यानी 7 से 10 लाख रुपये आय है तो कितने प्रतिशत टैक्स देना है, 10% टैक्स देना है, और 10 से 12 लाख रुपये आए हैं तो कितने प्रतिशत टैक्स देना है, 15% टैक्स देना है, 12 से 15 लाख है तो 20% टैक्स देना है, और 15 लाख और उससे अधिक अगर आए हैं तो उसको 30% टैक्स देना है। तो ये स्थितियां हैं, 3 लाख तक जीरो टैक्स देना है, 3 से 7 लाख तक 5% देना है, फिर 7 से 10 लाख तक जो है 10% देना है, 10 से 12 तक फिर 15% देना है, 12 से 15 तक फिर 20% देना है, और 15 लाख और उससे अधिक अगर कोई व्यक्ति सालाना कमाता है तो उसको 30% टैक्स देना है। नई कर व्यवस्था पर मानक कटौती जो है वो 50,000 रुपये से बढ़ा करके कितनी की गई है, 75,000 रुपये की गई है। कितनी की गई है दोस्तों, ये 30,000 रुपये से बढ़ा करके 75,000 रुपये की गई है। तो पहले जो मानक कटौती की जाती थी वो 50,000 रुपये की जाती थी, अब कितनी कटौती की जाती, 75,000 रुपये की कटौती दोस्तों की जाएगी, ठीक है। अब पूंजीगत लाभ करों में भी बदलाव किया है, तो निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ कर 15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है दोस्तों, 20% किया गया है। फिर अपन लोग आगे की और भी खबरों के बारे में, जब अपन लोग मुख्य खबरों के बारे में जब अपन बात करते हैं तो इसमें बजट में स्टार्टअप और नवाचार का समर्थन करने के लिए सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर स्टार्टअप है या नवाचार है तो उसका समर्थन करने के लिए जितने भी निवेशक वर्ग हैं, निवेश करने वाले लोग, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए एंजल टैक्स जो था उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। वित्तीय वर्ष 2025 की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है दोस्तों। कितना रहने का अनुमान है, 4.9% रहने का अनुमान है। उसके अलावा हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं तो सीमा शुल्क में कटौती की गई है और इसमें सोने और चांदी पर शुल्क घटाकर 6% किया गया है। तो सोने और चांदी पर शुल्क कितना घटा दिया गया, 6% किया गया है, और ये शुल्क घटा देने से निश्चित रूप से उसकी जो कीमतें हैं वो भी कम होंगी, उस पर भी फर्क पड़ेगा। और प्लेटिनम पर कितने प्रतिशत, 6.4% का जो है वो कमी की गई है दोस्तों। उसी प्रकार से लिथियम, तांबा और कोबाल्ट को भी सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दोस्तों दवाइयों और मोबाइल फ़ोन पर भी शुल्क में कटौती की गई है। कैंसर की 3 अतिरिक्त दवाओं पर सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है, जबकि मोबाइल उपकरण और सहायक उपकरण अगर अपन लोग देखें तो उस पर शुल्क को घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है, 15% शुल्क कर दिया गया है घटा करके। प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा शुल्क में क्या किया गया है, वृद्धि की गई है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो पिछले दिनों से ही चर्चा हो रही थी कि आंध्र प्रदेश जो है वो जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ, सीमांध्र बना, तो उसके बाद में तेलंगाना से जब अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश को, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, कोस्टल एरिया भी है ना, तो वहाँ पर जो है उसको विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। बिहार भी एक पिछड़ा राज्यों की श्रेणी में आता है, उसको विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट का आवंटन किया गया है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आंध्र प्रदेश के लिए सामाजिक और बुनियादी ढांचा निधि की घोषणा, 3 जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के साथ विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए भी पैकेज दिया गया है दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग देखें तो अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और बिहार में सड़कों और एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। बिहार और ओडिशा में मंदिर विकास के लिए भी धन आवंटित किए गए हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कुछ और भी घोषणा की गई है बजट में, जिसमें उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है ना, कि कितनी नई शाखाएं स्थापित की जाएंगी, उत्तर पूर्व में 100 नई शाखाएं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापित की जाएंगी। 12 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। उसके अलावा शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को 1 करोड़ घर उपलब्ध करवाने के लिए ₹10 ट्रिलियन आवंटित किए गए हैं दोस्तों, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को 1 करोड़ घर उपलब्ध कराए जाएंगे दोस्तों, कितने, 1 करोड़ घर उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन और पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी की भी घोषणा की है दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो कृषि और से संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित जो है वो कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। किसानों के लिए 32 खेत और खेत की फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। ये जो इस बजट की कुछ प्रमुख हाईलाइट्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के केंद्रीय बजट की कुछ हाईलाइट्स थी। अब हम लोग बात करते हैं मैप ऑफ द डे में सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर आप लोग जानते हो दोस्तों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सीटी ने सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी और आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। कहाँ की रहने वाली है, मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सीटी। क्या नाम है, कैप्टन सुप्रीता सीटी, ठीक है। इसने सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी और आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। सियाचिन ग्लेशियर, जिसे हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ अगर अपन लोग देखें तो ये जो है वो भारत अधिकृत जो है कश्मीर और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसके बीच में यहाँ पे जो है वो काराकोरम रेंज है, और उस काराकोरम रेंज के अंदर जब हम लोग बात करते हैं काराकोरम श्रेणी में, तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, मेघदूत, जिसके तहत फिर हमने इस ग्लेशियर पर सफलता हासिल कर दी, और वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर किसके अधिकार क्षेत्र में, भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ से जो प्रमुख नदी निकलती है वो नदी कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ से नूबरा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, नूबरा नदी निकलती है। और कैप्टन सुप्रीता की हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले जो है सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेवा देने वाली महिला अधिकारी का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, शिवा चौहान है। क्या नाम है दोस्तों, शिवा चौहान। तो इस प्रकार से शिवा चौहान के बाद में सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी सेवाएं देने वाली महिला अधिकारी का नाम क्या है, सुप्रीता सीटी है, ठीक है। फिर हम लोग आज बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो सीसा जस्ता उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो सीसा और जस्ता जो एक साथ निकलता है, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन, गैलेना कहते हैं दोस्तों, और इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में बीकानेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। पाइराइट्स का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक सलादीपुर सीकर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, सलादीपुर सीकर में।
गिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो भीलवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है, और वो कौन सा खनिज है जो मिट्टी में क्षारीयता को दूर करता है, तो मिट्टी में से क्षारीयता या लवणता की मात्रा को दूर करने के लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है, राजस्थान में कैल्साइट सीकर और उदयपुर में पाया जाता है, जबकि बेराइट्स के भंडार कहाँ पर है, जगतपुरा उदयपुर में है। बेराइट्स के भंडार कहाँ पर, राजस्थान में, जगतपुरा उदयपुर में है। रॉक फास्फेट के दृष्टिकोण से अगर अपन लोग देखें तो झामर कोटला उदयपुर में है, ठीक है, उसके बाद में अपन लोग देखें तो बिरमानिया जो है जैसलमेर में है और बांसवाड़ा में है, वहाँ से रॉक फास्फेट जो है वो पाया जाता है। राजस्थान उर्दू अकादमी संस्थान जयपुर में स्थित है, जबकि राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है, पुष्कर है। ये कुछ राजस्थान के खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पर्सन ऑफ द डे में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस के बारे में। लिएंडर पेस संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं, टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, तो लिएंडर पेस बने हैं। उन्हें लिएंडर पेस को पुरुष टेनिस इतिहास में शीर्ष युगल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों टेनिस इतिहास में पुरुष और मिश्रित युगल विषयों में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 3 पुरुष हैं केवल, और उनमें से एक कौन है, लिएंडर पेस है। लिएंडर पेस ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन टेनिस चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो जीते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अगर अपन लोग देखें तो 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कब, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और लिएंडर पेस ओलंपिक पदक जीतने वाले और आज तक के एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। अब फिर हम लोग इसमें आगे बात करते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स की दोस्तों, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक पेड़ गौ माता के नाम एक अभियान चलाया गया दोस्तों, और वो हिंगोनिया गौशाला जयपुर से शुरू किया गया, ये महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसेज एलिट यूनिवर्सल पेटिट 2024 का खिताब किसने जीता है, तो विनीता बल्दावा जोधपुर ने जीता है मिसेज एलिट यूनिवर्सल पेटिट 2024 का खिताब। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद राजस्थान की जो GSDP है वो स्थिर मूल्यों पर कितनी है, तो स्थिर मूल्यों पर दोस्तों कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,45,115 करोड़ है। जबकि प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, तो प्रचलित मूल्यों पर 15,283 करोड़ रुपये है। हाल ही में उदयपुर ज़िले की एक महिला है जिनका नाम क्या है, दीपा सिंह, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया है। तो उदयपुर ज़िले की किस महिला को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया, डॉक्टर दीपा सिंह को सम्मानित किया गया। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 8,45,115 करोड़ है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर 15,283 करोड़ रुपया है दोस्तों। यूनिवर्सिटी जयपुर ने जो है वो यूनिसेफ वैश्विक संस्था के साथ मिलकर सेंटर बिहेवियरल साइंसेज शुरू किया है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जयपुर ने यूनिसेफ वैश्विक संस्था के साथ मिलकर सेंटर बिहेवियरल साइंसेज को शुरू किया है दोस्तों। ये राजस्थान के आज के करंट अफेयर्स की कुछ प्रमुख खबरें थी। तो इस प्रकार से हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ में ही जो है पर्सन ऑफ द डे, उसके बाद में जो है मैप ऑफ द डे और राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके बीच में हाजिर होते हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन जो है वो करंट अफेयर्स की इन क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।